हेलो बच्चों, आज हम नेहा अलार्म क्लॉक में पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज को करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी बुक को ओपन करें और पेज नंबर 13 पर आ जाइए। देख, ठीक है ना? तो जल्दी से अपनी बुक ओपन करिए। तो बच्चों, नेहा अलार्म क्लॉक की कहानी आप सबने पढ़ी है, उसकी आपको हिंदी भी पता है और ये कहानी बहुत अच्छी है ना? तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके इसी कहानी से रिलेटेड है ना? तो आप अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर 13 पर सबसे पहले ऊपर जहाँ पे लिखा है लेट्स राइट। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों ये काम हमें अपनी बुक में ही करना है। ओके, ये काम जो है ना, हम दोनों क्वेश्चन जो है आपके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों हम अपनी बुक में ही करेंगे। ओके तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। हु माने किसने, किसने और हुम माने किसको। ठीक है, कि किसने ये शब्द, ये वाक्य जो है या ये शब्द जो है वो किसने कहे और किससे कहे। तो हम सबने स्टोरी पढ़ी है, तो पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उठ जाओ प्रिय या मित्र, या डियर का मतलब प्रिय होता है या दोस्त, मित्र, आप कुछ भी कह सकते हैं बेटा। उठ जाओ प्रिय, जल्दी उठो। तो ये कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहा? तो आपको याद आया, जब नेहा सो रही थी तो कुछ बर्ड्स उसको जगाने के लिए उसकी विंडो पे आती थी ना, तो ये शब्द किसने कहा? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बर्ड्स, बी आई आर डी एस, बर्ड्स। ओके, अब ये बर्ड्स जो थी, इन्होंने किस किससे कहे थे ये शब्द? नेहा, एन ई एच ए, नेहा। और आपको पता है ना, जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, है ना? तो बर्ड्स का बी भी बड़ा होगा बच्चों, और नेहा का एन भी बड़ा होगा। ठीक है, अगला है, माँ हू वोक अप, वो सॉरी, माँ हू वोक मी अप टुडे। माँ, आज मुझे किसने जगाया? तो आपको क्या लगता है बच्चों, ये किसने किससे कहा होगा? माँ, आज मुझे किसने जगाया? हु मीन्स किसने, वॉक मीन्स जगाना, मी मीन्स मुझे, टुडे मीन्स आज। तो हम लिखेंगे किसने कहा? नेहा, नेहा ने अपनी माँ से कहा। तो इधर हम लिखेंगे नेहा, एन ई एच ए, नेहा। किससे कहा बच्चों? मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर। मदर मीन्स माता या माँ। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तुम हर रात 9 बजे क्यों सोते हो? तो ये किसने बोला था? नेहा की मदर ने। किससे बोला था बच्चों? नेहा से। तो हम फिर लिखेंगे एम ओ टी एच ई आर, मदर, नेहा, एन ई एच ए, नेहा से। तो कितनी इंटरेस्टिंग है ना ये कहानी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम करने से पहले हम कुछ ग्रामर के विषय में थोड़ा सा जान लें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक। बच्चों यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स, ये हमारी सहायता के लिए कि यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, इसमें 2 वर्ड्स लिखे हैं, वॉज एंड वर। तो वॉज और वर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और किस क्यों करते हैं, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ग्रामर में। ठीक है,
वॉज एंड वर आपका बेटा पास्ट टेंस के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल, जो काम हो चुका होता है उससे पता, जिससे पता चलता है, जिन वाक्यों से कि ये काम हो चुका है उसके लिए था थी, लास्ट में अंत में था थी आते हैं और उसके लिए हम वॉज एंड वर का प्रयोग करते हैं। ही शी इट तथा आई, ही शी इट तथा आई के साथ में हम वॉज का प्रयोग करते हैं बच्चों, यानी एक वचन के साथ में वॉज का प्रयोग और बहुवचन के साथ जो हम लगाते हैं वर, यू के साथ सदा वर का प्रयोग होता है। इस तरह से भूतकाल के एक वचन कर्ता के साथ वॉज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों एक वचन बहुवचन आपको पता ना, सिंगुलर प्लुरल। तो बच्चों एक वचन जहाँ पे एक वस्तु होगी, एक चीज के बारे में बात की जाएगी, तो वहां पे हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी या एक से अधिक चीजों के विषय में बात की जाएगी वहां पे हम बहुवचन होगा तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे वर का। तो ही शी इट तथा एक वचन के साथ और आई के साथ में वॉज, आई यू सॉरी यू वी दे के साथ में आपको वर का प्रयोग करना है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। फर्स्ट है आपका राम। राम डैट अ गुड फुटबॉल प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, राम कितने हैं, राम एक है या दो है, राम एक है ना, यानी एक वचन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज, W A S, वॉज, वॉज का प्रयोग करेंगे। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, कि राम एक अच्छा खिलाड़ी था। नेक्स्ट द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर काउज, काउज कितनी है, एक है या बहुत है, क्योंकि अगर काउ होती तो एक वचन और काउज है बेटा तो यहाँ पे आपका प्लुरल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे बहुवचन, तो यहाँ पे हो गया द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय घास चर रही। अब हम अगर वर लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा थी, गाय घास चर रही थी, तो हम आंसर होगा द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय घास चर रही थी। सी माई टॉयज, टॉयज बहुत सारे हैं ना, एस लगा है इसका मतलब बहुत सारे टॉयज हैं, तो यहाँ पर भी हम वर का प्रयोग करेंगे। माई टॉयज वर ब्रोकन, मेरे खिलौने टूट चुके थे। डी हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, वॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रॉक एक ही है, उसकी फ्रॉक बहुत लंबी थी। द मार्केट वॉज क्लोज्ड, द मार्केट वॉज क्लोज्ड, बाजार, एक ही बाजार के विषय में यहाँ पे बताया गया है, तो हम लिखेंगे द मार्केट वॉज क्लोज, बाजार बंद थी। द चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे, यानी यहाँ पे बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, वर, द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे खुश थे। लास्ट द फ्लावर्स, अब ये देखिए क्या है यहाँ पर, फ्लावर्स एस लगा है ना, इसका मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पर द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वास, वास मीन्स फूलदान या गमला, तो जो है फूल किसमें, फूल गमले में या फूलदान में रखे थे। तो इस एक्सरसाइज को बच्चों आप अपनी बुक में ही करेंगे, आंसर मैंने सभी आपको बताए हैं, ध्यान से सुनकर सही जगह पर सही आंसर को आपको लिखना है। एक होमवर्क और है बेटा, आपको मैंने एक वर्कशीट दी है जिसमें मैंने सिंगुलर लिखे हैं, आपको उन वर्ड्स के प्लूरल लिखने हैं, ठीक है। काम नीट एंड क्लीन करना और अपना ध्यान रखना। ओके बाय बच्चों।